मुंबई सिटी का इतिहास के बारे में कुछ जरूरी मालूमात आपको हम सुनाएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है छोटी सी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। अब सुने मुंबई के इतिहास के बारे में। कांदिवली के निकट उत्तरी मुंबई में मिले प्राचीन अवशेष संकेत करते हैं कि ये द्वीप समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। दो मानव आबादी के लिखित प्रमाण 250 ईपू तक मिलते हैं, जब इसे हेटनेसिया कहा जाता था। तीसरी शताब्दी छोटी ईपू में ये द्वीप समूह मौर्य साम्राज्य का भाग बने, जब बौद्ध सम्राट अशोक महान का शासन था। कुछ आरंभिक शताब्दियों में मुंबई के नियंत्रण से संबंधित इतिहास सातवाहन साम्राज्य व इंडो साइथियन वेस्टर्न सेट्रप के बीच विवादित है। बाद में हिंदू सिलारा वंश के राजाओं ने यहाँ 1343 तक राज्य किया, जब तक कि गुजरात के राजा ने उन पर अधिकार नहीं कर लिया। कुछ पुरातन नमूने जैसे एलिफेंटा गुफाएं व वालकेश्वर मंदिर में इस काल के अवशेष मिलते हैं। कान्हेरी गुफाएं जो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के केंद्र हुआ करती थी। हाजी अली दरगाह जो सन 1431 में बनी थी जब मुंबई इस्लामी शासन के अधीन था। 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से ये द्वीप समूह हथिया लिया, जो कि बाद में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड को दहेज स्वरूप दे दिए गए। श्री चार्ल्स से कैथरीन दे बरगेजा का विवाह हुआ था। ये द्वीप समूह 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर पर पट्टे पर दे दिए गए। कंपनी ने द्वीप के पूर्वी छोर पर गहरा हाबा मिला, जो कि उपमहाद्वीप में प्रथम पत्तन स्थापन करने के लिए अत्योत्तम था। यहाँ की जनसंख्या 1661 की मात्र 10,000 से बढ़कर 1675 में 7,000 हो गई। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित कर यहाँ मुंबई में स्थापित किए और अंततः नगर बंबई प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बन गया। सन 1817 के बाद नगर को वृहद पैमाने पर सिविल कार्यों द्वारा पुनर्स्थापन किया गया। इसमें सभी द्वीपों को एक जुड़े हुए द्वीप में जोड़ने की परियोजना मुख्य थी। इस परियोजना को हॉर्नबाय वेलार्ड कहा गया, जो 1845 में पूर्ण हुआ तथा पूर्ण 438 वर्ग किलोमीटर निकला। सन 1853 में भारत की प्रथम यात्री रेलवे लाइन स्थापित हुई, जिसने मुंबई को ठाणे से जोड़ा। अमरीकी नागर युद्ध के दौरान यह नगर विश्व का प्रमुख सूती व्यवसाय बाजार बना, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, साथ ही नगर का स्तर कई गुना उठा। 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद से यह अरब सागर का सबसे बड़ा पत्तन बन गया। चार अगले 30 वर्षों में नगर एक प्रधान नागरिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जो कि संरचना के विकास एवं विभिन्न संस्थानों के निर्माण से प्रेरित था। 1906 तक नगर की जनसंख्या 1 मिलियन के लगभग हो चली थी, जो कि इसे तत्कालीन कलकत्ता के बाद भारत में दूसरे स्थान पर लाती थी। बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी के रूप में ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना रहा, जिसमें 1942 में महात्मा गांधी द्वारा छेड़ा गया भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख घटना रहा। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत ये बॉम्बे राज्य की राजधानी बना। 1950 में उत्तरी ओर स्थित सेलसेट द्वीप के भागों को मिलाते हुए यह नगर अपनी वर्तमान सीमाओं तक पहुंचा। 1955 के बाद जब बॉम्बे राज्य को पुनर्व्यवस्थित किया गया और भाषा के आधार पर इसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बांटा गया, एक मांग उठी कि नगर को एक स्वायत्त नगर राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि संयुक्त महाराष्ट्र समिति के आंदोलन में इसका भरपूर विरोध हुआ,
व मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने पर जोर दिया गया। इन विरोधों के चलते 105 लोग पुलिस आयोग में मारे भी गए और अंततः 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी मुंबई को बनाया गया। ये थी मुंबई के इतिहास की कुछ जरूरी मालूमात। आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट की वजह से हम ऐसे ही इतिहास से जुड़ी वीडियो बनाते रहें।